दिल्ली के नरेला से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ पर एक पत्नी पर पति को पीट पीट कर मार डालने का आरोप लगा है। दिल्ली के नरेला में रहने वाला जावेद सड़क किनारे दुकान लगाने का काम करता था और जावेद को शराब की लत थी। जावेद की पत्नी सलमा दिल्ली महिला आयोग में महिला पंचायत की सदस्य है। पति नशे की हालत में घर आया और दोनों के बीच आपसी झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद पुलिस को जावेद की मौत की खबर मिली। वहीं मृतक जावेद की मां का आरोप है कि उसकी बहू ने उसके बेटे की हत्या की है। मार रही थी उसको, मैं छोड़ के चली गई और पुलिस से भी पिटवाया। कल दिन में मुझे दुकान पुलिस वाले ने भी मारा और उसने भी मारा और ऊपर ले जाके मारा। किसने मारा था? सलमा ने उसकी बीवी मार दी थी और फिर पुलिस से पकड़वा के मरवाया। फिर क्या हुआ? फिर सुबह ही पता लगा वो तो है ही नहीं यहाँ से, हम आए भागे हुए यहाँ से। हाय अल्लाह। अभी सलमा कहाँ पर है? हाय सलमा भी कहाँ पर है? पता नहीं कहाँ है सलमा। हाँ, जब तो उसके पास ही थी वो। जब आपको पता लगा कि उसकी मौत हो चुकी है, फिर पुलिस को सूचना दी आप लोगों ने? दी। पुलिस आई थी तो क्या हालत उस टाइम पे थी? जावेद की माँ की माने तो सलमा और जावेद में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी। जावेद के शव को अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जहाँ से पता चला कि जावेद की छाती के पास चोट के निशान भी हैं। पुलिस ने इन्फॉर्मेशन दी है कि इस मरीज के साथ मारपीट हुई है, कुछ घरेलू झगड़ा है, तो हमारे पास कुछ मरीज आया तो जाते थी अभी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सर कोई चोट वगैरह के निशान कुछ मिले? हाँ, चोट के निशान है, छाती से नीचे चोट का निशान है। पोस्टमार्टम के बाद क्लियर? हाँ, पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा डेथ का कारण, किस चोट की वजह से डेथ हुई। फिलहाल शक के घेरे में जावेद की पत्नी सलमा है। इस मामले की जांच पुलिस कर रही है और शव को भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। दिल्ली से नाउ द टाइम्स के लिए अनिल कुमार अत्री की रिपोर्ट।